एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का रस छंद अलंकार ये बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे और सबसे इजी एग्जांपल की सहायता से पढ़ने वाले हैं। और अगर इन तीनों चीज में से अगर आप ये तीनों चीज पढ़ लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इन तीनों चीज को पढ़ने से। तो आप इस तीनों चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका कितना नंबर पक्का होगा, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए रस में है किस किस रस को हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे रस है सिंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रस है उनके बारे में। तो हास्य रस, यहाँ से हम हास्य रस की बात करेंगे और यहाँ पे करुण रस की बात करेंगे। ठीक है, हास्य रस और करुण रस, इन सब जो रस है इनकी बात नहीं करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का, ये 2 नंबर का हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा क्या, इसमें छंद है। ठीक है, छंद, तो छंद के बारे में देख लेते कौन कौन से छंद पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया छंद। तो हम इसमें से दोहा छंद और सोरठा छंद को पढ़ेंगे। ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 2 मार्क्स के हो जाएंगे, 2 नंबर के। ये हो गए आपके 2 नंबर के। और अलंकार पढ़ेंगे तीसरा। देखिए अलंकार में पढ़ेंगे कौन, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें से हम 3 अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये 3 अलंकार। ठीक है, ये भी आपको कितना नंबर देगा, पक्का 2 नंबर। आज तक बोर्ड एग्जाम का कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये अलंकार ना आया हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ट्रिक की सहायता से, सरल उदाहरण के सहायता से समझेंगे। तो आइए सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, रस। तो रस को देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए रस, तो सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या करते हो कि इस चीज़ का अगर आपको स्थाई भाव पता है तो दुनिया का कोई भी रस को आप लिख सकते हो बिना याद किए। आज के ट्रिक में इसी की बात होगी। तो रस का स्थाई भाव, कौन सा भाव, स्थाई भाव। तो इसका स्थाई भाव आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हास्य रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है हास होता है। और करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक। ये अब देखिए ये चीज़ आपको पता हो गया कि हास। अब देखिए कोई भी, दुनिया का हमने बताया कोई भी रस हो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। तो हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। जब हास नामक स्थाई भाव, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। आपको ये 3 चीज़ें ज्ञात करना। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी लिख देते हो कि स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। और ये देखिए हमने बताया कि हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। जब हास नामक स्थाई भाव, पहले आपको किसका, इसका स्थाई भाव लिखना है। तो जब हास नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल देखिए, मातह पितह उरिन भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अगर और आपको इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आता तो आप उसको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा है करुण रस। करुण रस, करुण रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। देखिए करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पे करुण रस होता है। देखिए स्थाई भाव को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इन ये हाईलाइट चीज़ें होती हैं, इनको एग्जामिनर इसी को देखते हैं। तो आपको क्या स्थाई याद करना है, केवल स्थाई भाव ज्ञात करना है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो आप किसी भी रस को लिख सकते हो। देखिए इसमें लिखा है, जब शोक नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं करुण रस का। देखिए
हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। देखिए यहाँ पे दुखित है राम जी और ये सीता की खोज कर रहे हैं, तो उसी समय कहते हैं कि हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद हम अलंकार की बात करेंगे। तो अलंकार में किस अलंकार का, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। तो पहले अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिया है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, जिसे इसका एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, यहाँ पे वर्ण किसको कहा गया, त को। ठीक है, त क्या है, वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द पूरे बनते हैं। तो ये त है, यहाँ पर भी त आया हुआ है, यहाँ पर भी त आया हुआ है, यहाँ पर भी त, यानी त आया हुआ है। तो वर्ण बार बार आए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं अलंकार, नेक्स्ट है यमक अलंकार। तो देखिए यमक अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। यहां शब्दों की बात कर दिया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक बार आए या एक से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे घटा क्या है, घटा बादल है और एक घटा मतलब घटना। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए एक एक से अधिक बार, एक शब्द आया है एक से अधिक बार आया है, किंतु बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। इनका अर्थ भी अलग अलग है, इनका अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार। उपमा मतलब इसमें तुलना किया जाता है। ठीक है, किसी से कंपेयर किया जाता है। तो इसका उदाहरण हम देख लेंगे, तो यह पीपल पात सरिस मंडोला, यहाँ पे देखिए मन की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते से की गई है। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है छंद। छंद में हम कौन कौन से छंद देखने वाले, दोहा छंद और सोरठा छंद। तो आइए देखते हैं दोहा छंद और सोरठा छंद। तो देखिए यहाँ पे छंद, दोहा छंद, ठीक है, इसको हम ट्रिक से समझेंगे, बिल्कुल ट्रिक लगाएंगे, वो ट्रिक आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, मतलब कि अर्ध सममात्रिक का मतलब इसका आधा सम होता है। ठीक है, अब क्या होता है सम, इसको हम बताएंगे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नतियों को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो इसका हम पहले आपको ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, कि आप दोहा को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोहा का आप एक, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, दो दो ते ग दो तेग। ठीक है, दो मतलब दोहा, पहले क्या लिखेंगे 13-13, फिर क्या लिखेंगे 11-11। अब देखिए ये 13 है, ठीक है, 13 में से दो को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पहले आपका क्या है, दो और 11 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, दो है यहाँ पे, ये दो, तो दो प्लस 11 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, पहले दोहे में क्या लिखना है, पहले 13-13 लिखना है ना, कि पहले एवं तीसरे चरण में 13-13, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दो तेग। ठीक है, इसको आप इसका भी ये समझ सकते हैं, दो तेग यानी पहले 13-13 लिखना है, फिर 11-11 लिखना है। तो दो तेग इसका एग्जाम, ये ट्रिक है। और आप दो और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यही चीज है इसमें, देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्रा तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है। अब देखिए इसका सम का मतलब क्या है, ये अर्ध सममात्रिक छंद क्यों कहा गया है, अब इस चीज को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये छोटा है मात्रा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, एक, हम आपको बता दें कि अगर इधर का मात्रा रहेगा तो एक लिखेंगे, अगर ये मात्रा इधर की रहेगी तो आप दो लिखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया और ये सिंगल है तो एक लघु है, और यहाँ पे आ की मात्रा है, बड़ा है तो यहाँ दो लिखेंगे, और ये भी आ की मात्रा है तो दो लिखेंगे, इसका मतलब दो। ये गुरु है, ये लघु है, ये क्या है, ऊ है, सिंगल है तो एक लिखेंगे, और डब आधा न है तो इसके लिए दो लिखते हैं।
और मात्रा इधर की है तो एक लिखेंगे, फिर अ है तो इसका एक होता है और दो ठो चुंडी आय की मात्रा तो उसका दो होता है, ठीक है। अब इसको आप गिनेंगे, ठीक है, तो एक दो और तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इसका मतलब दो होता है और इसका मतलब एक होता है। तो ये पहले में इसकी कितना हो गया मात्राएँ, तेरह मात्राएँ, और दूसरे में कितना होगा, ग्यारह होगा। दूसरे और चौथे में देखिए एक, इसका भी एक हो गया, ऊ का क्या होगा एक, आधा न न पूरा न है तो इसका दो होगा, और इधर की मात्रा है तो इसका क्या होगा, एक होगा, और ओ की मात्रा है तो इसका दो होगा। इधर का, इधर का आपका क्या है, ये टूटा हुआ है तो इसका दो होगा और इसका एक होगा, ठीक है। तो अब इसको गिनते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक ग्यारह, इसमें कितनी मात्राएं होगी, दूसरे में ग्यारह और तीसरे में कितना होनी चाहिए, तेरह। देखिए इधर की मात्रा है, इधर की मात्रा तो क्या लिखेंगे, एक, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा। आ की मात्रा, इसका दो होगा, इसका भी दो होगा। ज्ञान है तो इसका भी आ की मात्रा दो, इसका एक, इसका एक की मात्रा है तो दो, इसमें तेरह होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, अब इसमें ग्यारह होना चाहिए चौथे चरण में। अब देखिए ये मात्रा इधर की है, आगे की है, तो इसका एक लिखेंगे। आय की मात्रा है तो इसका दो लिखेंगे, इसका एक लिखेंगे। ये मात्रा इधर की है तो एक लिखेंगे, इसका भी एक लिखेंगे, इसका दो लिखेंगे। ये आपका इधर का टूटा हुआ है तो इसका क्या लिखेंगे, दो और इसका एक। अब गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक ग्यारह, ठीक है। आप समझ गए कि देखिए पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह तथा दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह। अब देखिए, देखिए पहला क्या है, पहले एक को क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, ठीक है, और तीन को भी विषम कहते हैं, तो ये आधा विषम है। और दो को क्या कहते हैं, दो को हम सम लिखते हैं, ठीक है, दो संख्या जो है वो सम है। दो और चार क्या है, सम, तो ये आधा सम मात्र, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहा गया है। इस चीज़ को आप समझ गए, एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। अब देखिए सोरठा देख लेते हैं, सोरठा इसका भी हम ट्रिक्स आपको बताएंगे। ये दिया कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, आपने दोहा पढ़ा उसका ठीक ये उल्टा है। उसके पहले और तीसरे चरण में कितना मात्राएं थी, 13 13, और दूसरे और चौथे में 11 11, और इसके ये उसका उल्टा होगा। सोरठा के पहले और तीसरे में 11 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होंगी। अब इसका ट्रिक हम देख लेते हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या है। सो ये ट्रिक है, सो गते, सो गते, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है, सो गते, सो मतलब सोरठा, पहले 11 11 लिखना है, उसके बाद 13 13 लिखना है, ठीक है, सो गते। तो यहाँ पे यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे में चरण में 13 13 मात्राएं होती है, यह दोहे का उल्टा होता है। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ये इसका क्या है, उदाहरण है। देखिए सु, तो इसका क्या लिखेंगे, एक बड़ा है, तो फिर ये क्या है, इसका लिखेंगे इधर की मात्रा। हमने बताया था कि इधर की जब मात्रा होती है तो इसका एक लिखते हैं, जब इधर की मात्रा होती है तो इसका दो लिखते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका ये किधर की, आगे की है तो एक लिखेंगे, और ए की मात्रा तो इसका दो और इसका एक, एक इसका दो, इसका दो, इसका एक। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक ग्यारह, पहले में 11 हो गया और दूसरे में कितना होना चाहिए, 13। इसका हो जाएगा दो और इसका एक, इसका एक, इसका दो, दो, इसका एक, 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 दो। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दूसरे में 13 और तीसरे में 11 होना चाहिए। ये हो गया एक, एक, इसका दो, इसका एक, और ये इसका भी एक, और इसका दो, एक, 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 इधर की मात्रा है तो क्या होगा, एक, इसका दो,
ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेंगे, इसको भी लिख देते, एक एक एक, फिर दो एक, दो एक एक। देखिए अब तीसरे चरण में कितना होना चाहिए, 11, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 हो गया। और तीसरे चौथे चरण में कितना है, 13, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये हो गया। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिस्से करना अयन चिताए लखत जानकी तन। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।